हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया फिट एंड फाइन होंगे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विनोद मौर्य और मैं आप सभी लोगों का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसका हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4.3 देखने वाले, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का टोटल 6 सम है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले। तो आइए हम लोग शुरू करते। लेकिन उससे पहले अगर जो भी लोग हमारे चैनल पे इस समय नए बच्चे जुड़े हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सम देख लेते हैं। टोटल यहाँ पे 6 सम है जिसमें से हम लोग फर्स्ट सम देख रहे हैं। क्या दिया गया इस फर्स्ट सम में, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 अपॉन 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 अपॉन 2x प्लस 3 दिया गया है। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है दोस्तों और फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पर x square plus 12x minus 20 upon 3x minus 5, यहाँ पर अगर हम लोग डिनोमिनेटर में देखेंगे 3x minus 5 और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर 2x plus 3, ओके? अगर इन दोनों को मैं 4 के साथ में मल्टीप्लाई करूं तो हमें क्या मिलेगा। चलो देख लेते हैं 4 के साथ में मल्टीप्लाई कर पहले मैं लिख लेता हूं x square plus 12x minus 20 upon 3x minus 5, ओके, और इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखना है, x square plus 8x plus 12, फिर से upon 2x plus 3, ओके, मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर दोनों तरफ दोनों के जो डिनोमिनेटर है यहां पर मैं 4 के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, मतलब मैं इस तरह से ऐसा लिख देता हूं, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 4, दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 अपॉन 4 के साथ में, दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 अपॉन 4 के साथ में। मैं यहां पे लिख दूंगा मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 4, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 4 ऑन बोथ साइड। तो आप लोग क्या कर रहे हो, दोनों तरफ में 1 अपॉन 4 के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो जब दोनों तरफ में 1 अपॉन 4 के साथ में मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 और अपॉन में क्या लिख दूंगा मैं, अपॉन यहाँ पर ये 4 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 3x करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 12x मिल जाएगा, और 4 इंटू माइनस 5 करूंगा तो मुझे माइनस 20 मिल जाएगा। ओके, और इज इक्वल्स टू राइट साइड में देख लेते हैं हम लोग को क्या मिलेगा। राइट साइड में यहाँ पे 1 के साथ में तो मल्टीप्लाई होगा तो सेम आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 मिल जाएगा, देन अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2x करेंगे तो क्या आएगा, 8x आएगा, और 4 इंटू प्लस 3 करेंगे तो प्लस 12 आएगा। ओके, ये आपको मिल गया। अब अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो 12x माइनस 20 है और यहाँ पे भी 12x माइनस 20 है, ओके, यहाँ पे 8x प्लस 12 आ गया और यहाँ पे भी 8x प्लस 12 आ गया। ओके, तो अब हम लोग ये स्टेप के बाद में क्या करने वाले हैं, आपने कल प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, प्रीवियस वीडियोस में हमारा जो है हमने ऑपरेशंस ऑन इक्वल रेशियो पढ़ाया था, अल्टरनेंडो इन्वर्टेंडो कंपोनेंडो डिविडेंडो। ओके, कंपोनेंडो डिविडेंडो, अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो को अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग वो प्रीवियस वीडियो पहले देख लीजिएगा, जिससे आपका ऑपरेशंस ऑन इक्वल रेशियो का सारा प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगा और ये सब जब आप करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे डिविडेंडो प्रॉपर्टी को अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय
डिविडेंडो ओके बाय डिविडेंडो प्रॉपर्टी। तो डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, क्या आएगा डिविडेंडो प्रॉपर्टी जब अप्लाई करूंगा, यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 ओके माइनस डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या कहेगा, ये जो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर यही लिखना है ना, तो न्यूमरेटर पार्ट तो मैंने लिख दिया, अब डिनोमिनेटर पार्ट लिखना है तो माइनस डाल के लिखना पड़ेगा, माइनस माइनस यहाँ पे क्या आएगा 12x, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, माइनस 12x माइनस 20 ओके, देन अपॉन अपॉन यस क्या आएगा 12x माइनस 20 ओके, देन ये इज इक्वल्स टू था, यहाँ पे इज इक्वल्स टू मैं पुट कर दे रहा हूँ ओके। अब यहाँ ये वाला पार्ट रह गया, ये वाले पार्ट को भी हम लोग लिखते हैं, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, फिर माइनस माइनस न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर लिखना है, तो माइनस यहाँ पे इन ब्रैकेट में लिख देता हूँ 8x प्लस 12 ओके, देन अपॉन अपॉन में क्या आएगा 8x प्लस 12, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 8x प्लस 12। तो ये जो प्रॉपर्टी है हम लोग क्या प्रॉपर्टी यूज किए, डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज किए हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर मैं ब्रैकेट को ओपन कर दे रहा हूं ओके, यहीं पे मैं लिख देता हूं ओपन करके, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20, और जब ब्रैकेट ओपन होएगा तो यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 12x प्लस 20 हो जाएगा अपॉन ओके अपॉन अपॉन में क्या लिख दूंगा 12x माइनस 20, 12x माइनस 20, फिर ये इज इक्वल्स टू साइन है यहाँ पे पुट कर देंगे इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 प्लस 12 माइनस 8x माइनस 12 हो जाएगा, सही है कि नहीं, जब ब्रैकेट ओपन होएगा तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 8x माइनस 12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, अपॉन 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 पुट करके मुझे लिखना है, अपॉन में क्या लिख दूंगा 8x प्लस 12। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जो है प्लस 12x और ये माइनस 12x को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, और ये माइनस 20 एंड प्लस 20 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। राइट साइड में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे 8x और ये माइनस 8x कैंसिल होगा, यहाँ पे भी प्लस 12 और माइनस 12 कैंसिल हो जाएगा ओके। तो अब बचेगा क्या, बचता है एक्स स्क्वायर अपॉन 12x माइनस 20 लेफ्ट साइड में, मैं यहां पर लिख दूंगा एक्स स्क्वायर अपॉन 12x माइनस 20 बचेगा, और इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन क्या बच जाएगा 8x प्लस 12, 8x प्लस 12 बच जाएगा ओके। यहां तक अब पहुंच गया ओके। अब हमें तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ओके। अब सपोज अगर मैं यहाँ पे एक्स के जगह पे जीरो पुट कर देता हूं तो क्या मेरा एलएचएस एंड आरएचएस दोनों इक्वल हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा ओके। तो अगर मैं एक्स के जगह पे जीरो पुट करूंगा तो मेरा एक ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाइड हो जाएगा, मतलब एक्स भी एक सॉल्यूशन, एक्स इक्वल्स टू जीरो भी एक सॉल्यूशन हो सकता है, सही है कि नहीं। तो अगर मैं कहता हूं इफ एक्स इक्वल्स टू जीरो देन एक्स स्क्वायर भी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा ओके। अगर एक्स इक्वल्स टू मैं जीरो लेता हूं तो एक्स स्क्वायर भी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि एक्स इक्वल्स टू जीरो इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। क्यों हो सकता है वन ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह पे जीरो पुट कर दोगे तो आपका इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया, तो एक्स इक्वल्स टू जीरो एक सॉल्यूशन हो सकता है, तो एक्स इक्वल्स टू जीरो इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। मान लो अगर x जीरो नहीं है, सपोज इफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो, सपोज इफ
एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ओके, देन एक्स स्क्वायर भी नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, ओके, अगर तो एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो एक्स स्क्वायर भी नॉट इक्वल्स टू जीरो है, ओके, तो ऐसे समय पे दूसरा सॉल्यूशन क्या ला सकते हैं, मतलब एक्स के जगह पे अगर जीरो नहीं हुआ तो क्या आ सकता है एक्स के जगह पे, वो अभी हमें ढूंढना है, ओके, तो इसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते, ये जो एक्स स्क्वायर अपॉन 12x माइनस 20 है, हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए, ये एक्स स्क्वायर को निकालने के लिए हम लोग दोनों तरफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, ओके, तो LHS एंड RHS दोनों तरफ हम लोग क्या करने वाले, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई करने वाले, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे भी क्या आएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे लिख दूंगा एक्स स्क्वायर अपॉन 12x माइनस 20, और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 8x प्लस 12, यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हम लोग दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ओके, सो ये जो एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, कैंसिल करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया, यहां से भी एक्स स्क्वायर और यहां से भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या दोस्तों, हमारे पास बच जाएगा 1 अपॉन 12x माइनस 20 इज इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या बचेगा, 1 अपॉन 8x प्लस 12 बच जाएगा, ओके, अब इसके बाद यहां पे हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 12x माइनस 20 मिल जाएगा, सही है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो 8x है, ये जो 8x है, इसको हम लोग ये 12x के पास में लेके जाएंगे, ओके, x को मतलब x के पास लेके जाओ, कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट के पास लेके जाओ, तो ये 8x और 12x में से हम लोग 8x को 12x के पास ले जाएंगे, ओके, और ये जो माइनस 20 है, माइनस 20 को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस 20 को हम लोग ये 12 के पास लेके आएंगे, तो कौन कहाँ पे जा रहा है देख लो, ओके, एरो मार्क से समझ में आ जाएगा कौन कहाँ पे जा रहा है, ओके, चलो, सो हम लोग क्या लिखेंगे, 8x को वहां पे भेज देंगे राइट साइड में, तो यहाँ पे क्या आएगा, 12x माइनस 8x हो जाएगा, 12x माइनस 8x हो जाएगा, और ये माइनस 20 लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस 20 हो जाएगा, ओके, तो 12 प्लस 20 करने पे हमें मिल जाएगा दोस्तों 32 इज इक्वल्स टू 12x में से 8x चला गया तो 4x बच जाएगा, तो 32 इक्वल्स टू 4x है, तो इसका मतलब 4x इक्वल्स टू 32 हो गया, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 32 अपॉन 4, तो x का वैल्यू 8 आएगा, इसका मतलब x इक्वल्स टू 8 एक सॉल्यूशन बन सकता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x इक्वल्स टू 8, ओके, देयरफॉर मैं कहूंगा x इक्वल्स टू 8 एंड x इक्वल्स टू 0 बी द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ओके, तो इस तरह से हमको सॉल्व करना था, काफी अच्छा सा हमें, काफी इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आने का चांसेस बन सकता है दोस्तों, ठीक है, सो आई होप आपको ये सब समझ में आ चुका होगा, काफी अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पर, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ जाएंगे, ओके, चलो आइए अब हम लोग नेक्स्ट सम देख लेते हैं, यहाँ पर क्या देकर रखा है, 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 12x प्लस 3 अपॉन x माइनस 5, यही देकर रखा है, ओके, सही है, चलो अभी हमें इसको सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन निकालना है, ये भी काफी मजेदार सम है और काफी इंपॉर्टेंट सम है ये भी, ओके, सो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे यहां पर ये जो 2x प्लस 3 है, ओके, और ये x माइनस 5 यहां पर,
ये जो 2x प्लस 3 के साथ में अगर हम लोग 5x को मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 5x के साथ में 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 15x मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर है 10x स्क्वायर प्लस 15x, ठीक है। और यहाँ पर ये x माइनस 5 जो है, x माइनस 5 के साथ भी अगर मैं 5x को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 25, मतलब यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस 25 आ जाएगा और यहाँ पे भी 5x स्क्वायर माइनस 25 है। तो आप लोग उसको डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, ये जो 2x प्लस 3 है ना, इसको यहाँ पर लेके आ जाएंगे और ये 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 25 को हम लोग वहां पर ले जाएंगे, मतलब 2x प्लस 3 की जगह पे ले जाएंगे। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करेंगे हम लोग, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी यूज करूंगा, सबसे पहले मैं लिख दूंगा 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 अपॉन 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 में क्या लिख दूंगा 2x प्लस 3, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू ये जो 5x स्क्वायर है माइनस 25x प्लस 12, ये जो है 2x प्लस 3 के जगह पे चला गया। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12, ओके, अपॉन अपॉन में अभी यहाँ पर 2 सॉरी क्या आ जाएगा x माइनस 5, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, बाय अल्टरनेंडो अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। तो अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी हमने यूज किया है यहाँ पर, ओके। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने कहा है यहाँ पे 2x प्लस 3, अगर 2x प्लस 3 को मैं 5x के साथ में मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर जो 10x स्क्वायर प्लस 15x है ना, सेम टू सेम यहाँ पर भी आ जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 15x, और बाद में हम लोग डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग उसको कैंसिल कर सकते हैं, सेम टू सेम यहाँ पे भी। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग क्या करने वाले, 1 अपॉन 5x के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन 5x, 1 अपॉन 5x मल्टीप्लाई बाय, ओके, और यहाँ पे इज इक्वल टू साइन है, यहाँ पे भी हम लोग 1 अपॉन 5x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, 1 अपॉन 5x के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर बचा क्या है, 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 अपॉन अपॉन यहाँ पर क्या लिखूंगा 2x प्लस 3, ओके, सेम टू सेम यहाँ पर भी 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 अपॉन एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहां पर अभी लिख देंगे डॉट डॉट डॉट, यहां पर लिखना है मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 1 अपॉन 5x, 1 अपॉन 5x ऑन बोथ साइड, हम लोग दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, 1 अपॉन 5x के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ हमने क्या किया, 1 अपॉन 5x के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा, न्यूमरेटर वाला पार्ट तो एज इट इज लिखूंगा मैं, 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 अपॉन अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 5x को 2x प्लस 3 के साथ में मल्टीप्लाई करो, तो 5x और 2x करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10x स्क्वायर आ जाएगा, और 5x प्लस 3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 15x मिल जाएगा। ये जो इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इज इक्वल्स टू मैं पुट कर देता हूँ, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे न्यूमरेटर वाला पार्ट तो हैज़र्ड इसमें लिखूंगा, यहाँ पे भी 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 अपॉन अपॉन में क्या लिखूंगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 5x और x करेंगे तो 5x स्क्वायर मिल जाएगा, और 5x माइनस 5 करेंगे तो माइनस 25x मिल जाएगा, ओके।
यहाँ तक पहुंच गए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मुझे इसको कैंसिल करना है, ठीक है, ये जो 10x² + 15x है इसको मुझे कैंसिल करना है। तो इसको कैंसिल करने के लिए मैं क्या करूंगा, डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज करूंगा। मैं यहां पर लिखूंगा बाय डिविडेंडो प्रॉपर्टी, बाय डिविडेंडो प्रॉपर्टी। तो क्या कहता है डिविडेंडो प्रॉपर्टी, सबको पता है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, सही है। तो न्यूमरेटर को मैं लिख दूंगा, न्यूमरेटर क्या है मेरा 10x², यहाँ पे इसको दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, सो रेड कलर, 10x² + 15x + 63 माइनस, ओके यहाँ पर माइनस डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है आपका 10x² + 15x है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन करके लिख दे रहा हूँ, ओके ब्रैकेट ओपन करके लिख देता हूं, तो क्या मिलेगा -10x² - 15x मिलेगा, सही है, अपॉन डिविडेंडो प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, अपॉन में क्या बच जाएगा, अपॉन में बच जाएगा 10x² + 15x बच जाएगा। अब ये जो इज इक्वल्स टू है यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे भी सेम टू सेम न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर लिखना है हमें, तो आपका न्यूमरेटर क्या है 5x² - 25x + 12, यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा माइनस, ओके ब्रैकेट ओपन करके लिखूंगा, तो ब्रैकेट ओपन करके लिखूंगा तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस क्या आएगा 5x² + 25x आएगा, ओके और अपॉन में क्या रह जाएगा यहाँ पर, अपॉन में 5x² - 25x रह जाएगा, ओके। तो ये हम लोग डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखते हैं हम लोग कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये जो 10x² है ये -10x² कैंसिल हो गया, +15x - 15x कैंसिल हो गया, यहाँ से राइट साइड में देख लेते 5x² और -5x² कैंसिल हो गया, -25x + 25x कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, अभी बच गया यहाँ पे 63/10x² + 15x, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 63/ यहाँ पे क्या आएगा 10x² + 15x इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पर 12/5x² - 25x दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 12/5x² - 25x, ओके। हम लोग एक काम करते हैं, यहां से ये जो है ना 10x² + 15x और ये 5x² - 25x, इसमें से कुछ कॉमन निकलता है तो उसको कॉमन ले लेते हैं हम लोग, ओके। सो मैं क्या लिखूंगा 63/ इसको सॉल्व करके मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहां से मैं 5x को कॉमन ले लेता हूँ, 5x को मैं कॉमन ले लूंगा, तो 5x को कॉमन लूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे 2x + 3 बचेगा, ओके यही बचेगा, और इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं 12/12 यहाँ से भी मैं 5x को कॉमन ले लेता हूँ, ओके 5x को मैं यहाँ से भी कॉमन ले लूंगा, तो क्या दिखेगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे 5x को कॉमन लूंगा तो मिल जाएगा x - 5 बच जाएगा, सही है, ओके वेरी गुड। क्या ये 5x और ये 5x को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, यस ऑफ कोर्स मैं कैंसिल कर सकता हूँ, सपोज ये 5x को मैं यहाँ पर ही लेकर आ गया तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये दोनों को मैं इसको यहीं पे कैंसिल कर देता हूँ, अब ये इक्वेशन और भी सिंपल हो गया, ओके इक्वेशन को और भी मैंने सिंपल बना दिया। चलो अब हम लोग यहाँ पे आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं इजिली, तो 63 को हम लोग x - 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, और इज इक्वल्स टू ये जो 12 है उसको 2x + 3 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके क्या मैं 12 को यहाँ पे ला सकता हूँ, एक काम करते हैं हम लोग यहीं पे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है इसको हम लोग इजिली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपको मिल जाएगा आंसर,
63 इंटू एक्स करेंगे तो 63x आ जाएगा, 63 इंटू एक्स करेंगे तो 63x आएगा, 63 इंटू माइनस 5 क्या मिलेगा, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 31, तो 315 आएगा, ओके इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इज इक्वल्स टू पुट कर देता हूँ, 12 इंटू 2 2x तो क्या मिलेगा 24x, एंड 12 इंटू प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा प्लस 36। चलो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो 24x है 24x को हम लोग लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे और ये माइनस 315 इसको हम लोग राइट साइड में लेकर आएंगे, सही है। तो 24x को हम लोग लेफ्ट साइड में और माइनस 315 को राइट साइड में, तो 24x को लेफ्ट साइड में लेकर आओ तो क्या मिलेगा मुझे 63x माइनस 24x मिलेगा, ये इज इक्वल्स टू यहाँ पे पुट कर दो, माइनस 315 को राइट साइड में लेके गए तो क्या बन जाएगा 315 मतलब प्लस बन जाएगा 315 और ये प्लस 36, ओके ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, 63 में से 24 को निकालो, 63 में से 24 को निकालेंगे तो यहाँ पे 13 में से 4 गया तो 9 बचेगा और 5 में से 2 गया यहाँ पे तो 3 बचेगा, ओके तो ये हो गया 39, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 39x आएगा, 39x इज इक्वल्स टू 315 और 36 इसको ऐड कर लेते हैं, ओके तो 6 प्लस 5 11 यहाँ पे 345 बचेगा और यहाँ पे 351, ओके यहाँ पे आएगा 351, तो x का वैल्यू 39x इक्वल्स टू 351 मिला है, तो x का वैल्यू हमें मिलना चाहिए 351/39, ओके 351/39 किए तो 39 इंटू जरा 9 देख लेते क्या आता है, 9 9 81 1 8 9 3 27 27 प्लस 8 करेंगे तो 35 आएगा, ओके तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा नहीं जमता है तो इसको दोनों नंबर को 33 से डिवाइड करो, क्योंकि दोनों नंबर 33 में भी आएगा, एक्स्ट्रा तो वैल्यू 9 आएगा, अगर नहीं आता है तो हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं ना, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 फिर यहाँ पे 3 1 जा 3 अगेन 3 1 जा 3 2 बचेगा तो यहाँ पे 3 7 जा 21, ओके 13 के डेल में 117 तो आ जाएगा, 39 जा 117 ये बहुत ही सिंपल बन गया, ठीक है तो x इक्वल्स टू 9 ये क्या है, ये एक सॉल्यूशन है, देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर x इक्वल्स टू 9 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है तो ये हमें इस तरह से सॉल्व करना था, काफी इजी भी है, ओके मैंने स्टेप एकदम अच्छे से क्लियर कट टू कट मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया है किस तरह से इसको सॉल्व करना है, आई होप आपको भी समझ में आ चुका होगा, आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अभी हम लोग नेक्स्ट सम यानी कि थर्ड सम को देख लेंगे फिर, ओके तो चलिए अभी हम लोग थर्ड सम स्टार्ट करते हैं। थर्ड सम में देखो क्या देकर रखा गया है, 2x plus 1 the whole square, फिर यहाँ पे माइनस 2x माइनस 1 the whole square, यही दिया गया है आपको, ओके सही है, इज इक्वल्स टू 17/8, तो ये सम आपको देकर रखा है इस तरह से। चलो तो अभी हम लोग को इसको सॉल्व करके यहाँ पे भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ओके सो यहाँ पर अभी हम लोग डायरेक्टली जो है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो हम लोग यूज कर लेंगे, ओके क्योंकि ये जो है ना यहाँ पे दो दो टर्म है, मतलब बाइनोमियल यहाँ पे भी बाइनोमियल, ये भी बाइनोमियल, डिनोमिनेटर में भी बाइनोमियल है, ओके तो दो दो टर्म है, अगर दो दो टर्म का इस तरह से आता है तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो दोनों प्रॉपर्टी आप लोग यूज करोगे, तो हम लोग डायरेक्टली पहले लिख ले बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी, हम लोग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, तो क्या आएगा कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी हम लोग जब अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये जो है ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करना है, तो न्यूमरेटर वाला पार्ट अभी हम लोग लिख लेते हैं, न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या है 2x plus 1 the whole square plus 2x minus 1 the whole square, ये हो गया न्यूमरेटर वाला पार्ट, अब प्लस प्लस साइन अभी हम लोग पुट करेंगे, अब डिनोमिनेटर वाला पार्ट लिखेंगे यहाँ पे, तो प्लस डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या आएगा यहाँ पे 2x plus 1 the whole square minus
टू एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर। सही है, ये आ गया आपका न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर आपका हो गया। अब एक बड़ा सा अपॉन यहाँ पे पुट करना है हमें, ये अपॉन हमने पुट कर दिया यहाँ पर। अब न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करना है, तो न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे, टू एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर देन प्लस टू एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर। ओके, अब माइनस माइनस है क्योंकि न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर वाला पार्ट मैंने लिख दिया, माइनस डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर वाला पार्ट लिखेंगे तो उसका साइन चेंज करके आपको लिखना पड़ेगा, मतलब क्या आएगा यहाँ पे, टू एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे जो माइनस था ना ये प्लस बन जाएगा, प्लस टू एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर। ये ध्यान में रखना है, जब हम लोग सब्ट्रैक्शन करते तो वहां पे साइन चेंज होता है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पे हो गया ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर यानी कि कॉम्पोनेंट हो गया, और डिविडेंड मतलब न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो जब हम लोग माइनस डिनोमिनेटर करेंगे तो वहां पे इसका साइन चेंज हो जाएगा, सेम टू सेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पुट करूंगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 17 प्लस 8 और अपॉन 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 में क्या लिखूंगा, 17 माइनस 8, 17 माइनस 8। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे न्यूमरेटर वाले में, ये जो 2x प्लस 1 टू एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर है, और यहाँ पे ये माइनस टू एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर, ये दोनों को कैंसिल कर दूंगा क्योंकि इसका साइन चेंज है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस में, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, ये जो टू एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर है और ये माइनस टू एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इन दोनों को मैं यहाँ से कैंसिल कर दूंगा। ओके, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, अब बचा क्या, टू एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर और ये टू एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर बचा, तो मतलब हम लोग कह सकते हैं टू टाइम्स ऑफ यहाँ पे टू एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर बचा, अपॉन अपॉन डिनोमिनेटर में भी टू टाइम्स ऑफ बचेगा टू एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर, टू एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर बचेगा। ओके, यहाँ पे भी ये जो है टू एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर और ये टू एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर, ये क्या बन गया, टू टाइम्स बन गया। ओके, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 17 प्लस 8 करेंगे तो 25 आएगा, और अपॉन 17 माइनस 8 करेंगे तो 9 आएगा यहाँ। ओके, हम लोग यहाँ से ये 2 एंड 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो बच गया क्या, 2x प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 1 द होल स्क्वायर। ओके, इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 9। एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो स्क्वायर रूट जब दोनों तरफ लेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा, 2x प्लस 1 बचेगा, और अपॉन में क्या रह जाएगा, 2x माइनस 1 रह जाएगा। ओके, इज इक्वल्स टू यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 25 और अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉट 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 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम लोग दोनों तरफ क्या ले रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, तो दोनों तरफ जब हमने स्क्वायर रूट लिया, तो स्क्वायर रूट जब लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर एंड रूट तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, अब फाइनली बचेगा क्या, हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ प्लस और माइनस 5 अपॉन 3 लिख सकता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2x प्लस 1 और अपॉन में 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, मैं लिख दूंगा प्लस और माइनस 5 अपॉन 3। क्यों ऐसा लिख दिया, क्योंकि हर एक स्क्वायर रूट को दो पॉसिबल वैल्यूज होते हैं, एक पॉजिटिव में होता है और एक नेगेटिव होता है, हर एक स्क्वायर रूट में दो वैल्यूज आते हैं, हर एक स्क्वायर रूट को दो वैल्यूज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्लस और माइनस साइन करके लिख रहा हूँ। ओके, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन अपॉन 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 3 होगा, और करके मैं लिख सकता हूं 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 3 भी लिख सकता हूँ। सही है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा।
क्योंकि 2x+1 अपॉन 2x-1 इज इक्वल टू प्लस और -5/3 लिखा है हमने, ओके तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, 2x+1 अपॉन 2x-1 इक्वल टू 5/3 भी लिख सकते हैं, और 2x+1 अपॉन 2x-1 इक्वल टू -5/3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते जरा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये 3 इसके साथ चला जाएगा, तो 3 × 2x+1 इज इक्वल टू 5 × 2x-1 5 × 2x-1 ओके, ये 2x-1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, 3 × 2x+1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, -5 × 2x-1 ओके। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 × 2x करेंगे तो क्या मिलेगा, 6x मिल जाएगा, और 3 × +1 करेंगे तो 3 × +1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा +3 ओके, इज इक्वल्स टू 5 × 2x करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 10x मिल जाएगा, और 5 × -1 करेंगे तो -5 मिल जाएगा, ये भी हो गया। और यहाँ पे अभी और लिख देंगे, और अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 2x करेंगे तो यहाँ पे 6x मिल जाएगा, और 3 × +1 करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, +3 मिल जाएगा ओके, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा, -5 × 2x करेंगे तो -10x, और -5 × -1 करेंगे तो +5 होएगा, क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव है, तो नेगेटिव रहेगा तो क्या आएगा, दोनों नंबर नेगेटिव तो उसका प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आएगा यहाँ पर ओके। अब हम लोग एक काम करते हैं, ये जो 10x है ना, ये 10x को हम लोग सॉरी 6x है ये 10x के पास में लेके जाएंगे ओके, और ये जो -5 जो हमें दिख रहा है -5 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 के पास लेके आएंगे ओके। तो यहाँ पर अभी क्या हो जाएगा, 10x के तरफ में हम लोग क्या ले जाएंगे 6x को, तो 10x-6x हो जाएगा, और ये -5 जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये बन जाएगा 5 + 3 ओके। उसी तरह यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करो, ये जो है ना एक काम करती है, -10x है देखो इसका साइन माइनस में, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बेटर क्या होगा, नेगेटिव को पॉजिटिव की तरफ लेके जाओ ना, तो ये -10x है, और ये जो +3 है, +3 को हम लोग क्या करेंगे, इसको +5 के तरफ में ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 6x तो यहीं पे है, ये -10x आ गया तो +10x बन गया, और ये इज इक्वल्स टू लिख दूं यहाँ पे क्या आएगा, ये +3 को 5 के पास लेके जाएंगे तो 5 - 3 हो जाएगा ओके। अब यहाँ पे 5 + 3 करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, 8 इक्वल्स टू क्या आएगा, 10x में से 6x या तो 4x, तो 8 इक्वल्स टू 4x, तो इसका मतलब देयरफॉर हम लोग 4x इक्वल्स टू 8 लिख सकते हैं, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 8/4 तो इक्वल्स टू 2, मतलब x का वैल्यू आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया, x का वैल्यू हमें क्या मिला, 2 मिल गया, तो ये x का वैल्यू 2 एक सॉल्यूशन बन गया। और करके मैं लिख सकता हूँ, 10x + 6x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16x हो जाएगा ओके। 16x इक्वल्स टू 5 में से 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 3 करेंगे तो 2 बचेगा, तो 16x इक्वल्स टू 2 है तो x का वैल्यू क्या मिलना चाहिए, 2/16 मिलना चाहिए, तो x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 2/16 यानी कि क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/8 हो जाएगा, 1/8 क्योंकि 2 × 1 = 2 × 8 = 16 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, x इक्वल्स टू 2, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे x इक्वल्स टू 1/8 आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, आर द क्या आएगा, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सब समझ में आ चुका होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, काफी इजी सम है ओके। थोड़ा सा स्टेप बड़ा है, आई होप आपको ये सम इजीली समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है सम में ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस होएगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर फटाफट हम लोग अभी नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देख लेंगे यहाँ पे ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं, क्या देख रखा है, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 4 इस समय ओके। यहाँ पर क्या दिया है, √4x+1 + √x+3 / √4x+1 - √x+3,
इज इक्वल्स टू 4/1। यहाँ पे इस तरह से आपको देकर रखा है। यहाँ पर अगेन सेम टू सेम हमने जो प्रीवियसली जो सम किया ना, सेम टू सेम हम लोग सेम वैसी सम करेंगे। यहाँ पे अभी हम लोग को क्या लिखना है, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो दोनों हम लोग यूज करेंगे। बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे, कंपोनेंडो मतलब क्या आएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर वाला पार्ट तो ये आपका 4x+1 और प्लस √x+3 आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट है। तो ये न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर आपको लिखना है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे मैं अभी लिख दूंगा, न्यूमरेटर आपका क्या है, न्यूमरेटर √4x+1। तो यहाँ पर √4x+1 फिर प्लस √x+3, ये न्यूमरेटर आ गया। अब आपको प्लस डिनोमिनेटर लिखना है, तो प्लस डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर वाला पार्ट में लिखूंगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, √4x+1, √4x+1 माइनस माइनस √x+3, ये आ गया आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट। अपॉन, अब हम लोग अपॉन पुट करेंगे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर तो हो गया, अब न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करना है, इसी को कंपोनेंडो डिविडेंडो कहते हैं। तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर क्या है आपका, अगेन 4x+1 प्लस √x+3 आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट हो गया। अब जब माइनस करके लिखेंगे तो साइन चेंज हमें करना होगा, तो यहाँ पर मैं जब मैं माइनस पुट करूंगा तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो साइन चेंज करके लिखना पड़ेगा, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रूट तो माइनस √4x+1, ओके, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस आ गया √x+3, ओके, यहाँ पे √x+3 इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, 4+1 एंड 4-1, 4+1 एंड 4-1, ओके, वेरी गुड। चलो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते क्या क्या कैंसिल होने वाला है। ये जो है √x+3 और ये -√x+3 कैंसिल कर दूंगा। यहां से डिनोमिनेटर में देखो √4x+1 और ये -√4x+1 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, बचता है √4x+1 और यहाँ पे √4x+1, इसका मतलब 2 times of √4x+1 बच रहा है, 2 times of √4x+1 बच रहा है। अपॉन में, अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में यहाँ पे रह जाएगा √x+3 और ये √x+3 मिल जाएगा, 2 times of √x+3 यहाँ पे भी इज इक्वल्स टू 4+1 करेंगे तो 5 आएगा, 4-1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ओके, क्या हम लोग यहाँ पे ये 2 को कैंसिल कर सकते हैं, यस ऑफकोर्स कैंसिल कर सकते हैं। अब बचा क्या, अब √4x+1 और यहाँ पे √x+3 बचा। एक काम करती है, रूट को हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा, 4x+1 द होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉन में हम लोग क्या लिख देंगे, √x+3, उसका भी स्क्वायर कर दो हम लोग √x+3। तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायरिंग कर दिए, अपॉन इज इक्वल्स टू 5/3, इसका भी स्क्वायर होगा। दोनों तरफ हम लोग स्क्वायरिंग कर रहे हैं, दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5/3, इसको मैं द होल स्क्वायर करके ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड में दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने वाला हूं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब ऐसा करूंगा तो क्या होएगा, रूट हट जाएगा, क्योंकि रूट हटाने के लिए मैंने स्क्वायर किया है। तो यहाँ पे रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, 4x+1 बचेगा और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में x+3 आएगा, अपॉन x+3 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, यहाँ पे 5/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25 एंड 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे
25/9। ओके, अब इसके बाद तो आपको ही पता चल जाएगा क्या करना है हमें, हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फेवरेट स्टेप। तो यहाँ पे 9 को 4x+1 के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 ब्रैकेट में 4x+1 इज इक्वल्स टू 25 ब्रैकेट x+3। ओके, ये हो गया, अब मल्टीप्लाई कर लेते हम लोग। 9 और 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 36x मिल जाएगा, प्लस 9 × 1 करेंगे तो 9 मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू 25 × x कर लो, 25 × x करेंगे तो क्या मिलेगा, 25x मिल जाएगा, 25 × +3 करेंगे तो +75 मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल है। ओके, अब हम लोग एक काम करते हैं, ये जो 25x है ना, 25x को अभी हम लोग क्या करेंगे, ये 36 के पास लेकर आएंगे, और ये जो 9 है, ये 9 को हम लोग 75 के पास ले जाएंगे। ओके, बहुत ही सिंपल है, तो 36x 25 आ गया तो -25x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 9 जब 75 के पास चला जाएगा तो 75 - 9 हो जाएगा, सही है कि नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो 36 में से 25 को निकाल दो, जरा क्या बचेगा, 11x बचेगा, और 75 में से 9 को निकाल देंगे तो 66 बचेगा, सही है, वेरी गुड। तो देयरफॉर x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, x का वैल्यू हमें मिलेगा 66/11, क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू 66/11। तो देयरफॉर फाइनली हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, 11 के ड्यूल में 66 आता है, 11 × 1 = 11, 6 तो x का वैल्यू यहाँ पे 6 मिल गया। तो देयरफॉर x = 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, काफी सिंपल सा ये भी था। ओके बच्चों, सो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, काफी इजी स्टेप में मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, एक एक स्टेप मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको समझ में आ चुका है, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट सम करेंगे, यानी कि फिफ्थ सम। तो दोस्तों अभी हम लोग फिफ्थ सम देख लेते हैं, क्या दिया गया है फिफ्थ सम में, 4x+1 + 2x+3 / 4x2 + 2lx + 9 = 61/36। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ना, 4x2 + 2lx + 9, ओके, इसको हम लोग कुछ इस तरह से एक्सपांड करते हैं, 4x2 + 2lx + 9, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसको हम लोग कह सकते हैं, और ये किसका स्क्वायर है, ये 2x + 3² इसका स्क्वायर है। ओके, अब जब हम लोग 2x + 3² को अगर हम लोग a + b² के फॉर्म में एक्सपांड करेंगे तो आपको सेम टू सेम यहाँ पर मिलेगा, 4x2 + 2lx + 9 मिलेगा हमें। ओके, देख लेते हैं, 2x + 3² को हमने a + b² के फॉर्म में एक्सपांड कर रहे हैं तो क्या आएगा, a² मतलब 2x² प्लस 2 × a × b आता है, तो 2 × a की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 2x, और b की जगह पे 3 लिखूंगा, और प्लस b² मतलब 3 का स्क्वायर, तो क्या मिल रहा है हमें, 4x² + 2^4 = 12x + 9 मिल रहा है। इसका मतलब ये जो 4x² + 2lx + 9 है ना, उसके जगह पे हम लोग 2x + 3² को हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2x + 3² का ही फैक्टर है। ओके, 4x² + 2lx + 9 का फैक्टर है 2x + 3², तो हम लोग क्या कर देंगे, ये 4x² + 2lx + 9 की जगह पे 2x + 3² लिख देंगे। चलो, तो क्या आएगा यहाँ पे, 4x + 1² + 2x + 3² और अपॉन में अपॉन पुट कर दूंगा यहाँ पे, और ये 4x² + 2lx + 9 की जगह पे मैं लिख दूंगा 2x + 3² क्योंकि आखिरकार ये जो है ना 4x² + 2lx + 9 ये 2x + 3² का फैक्टर बन रहा है। ओके, इज इक्वल्स टू 61/36। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पे ये जो 2x + 3 है ना, इसको कैंसिल करना है तो हम लोग को डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है, मतलब बाइनोमियल एक है, तो यहाँ पे हम लोग डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और इसको कैंसिल कर देंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय डिविडेंडो प्रॉपर्टी, यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, बाय डिविडेंडो प्रॉपर्टी। क्या कहता है डिविडेंडो प्रॉपर्टी, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर क्या है भाई, 4x + 1² है, प्लस 2x + 3² ये है आपका न्यूमरेटर, देन माइनस डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है आपका,
टू एक्स प्लस थ्री द होल स्क्वायर, ये है हमारा डिनोमिनेटर, अपॉन अपॉन डिनोमिनेटर पुट कर देंगे, डिनोमिनेटर क्या है टू एक्स प्लस थ्री द होल स्क्वायर, ये हो गया आपका डिविडेंडो प्रॉपर्टी। राइट साइड में भी सेम टू सेम अप्लाई कर दो, 61 माइनस 36 अपॉन में अपॉन 36 बच जाएगा, सही है, इसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड प्रॉपर्टी। अब क्या हो जाएगा, ये जो 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर और ये माइनस 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं यहाँ यहीं पे, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ओके। तो बचेगा क्या, क्या बच गया यहाँ पे, 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर बच गया, 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर देन अपॉन अपॉन में 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर रह गया, ओके। फिर इज इक्वल्स टू 61 में से 36, 61 में से 36 निकाल दो जरा, 61 माइनस 36 यहाँ पे इसको कट करके मैं 11 लिख दूंगा, ओके। 11 में से 6 गया तो यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 5 में से 3 गया तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो 25 आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा 25 और अपॉन में 36, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप है, एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये जो है ना ये स्क्वायर को हटा देते हैं, जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर हट जाएगा, या फिर मैं डायरेक्टली स्क्वायर निकाल कर लिख लेता हूँ, अभी आप लोग तो इतने एक्सपर्ट हो चुके हो, तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, 4x प्लस 1 अपॉन अपॉन 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 2x प्लस 3, ओके, स्क्वायर निकाल रहा हूँ, जब मैं यहाँ से स्क्वायर निकालूंगा तो यहाँ पे डायरेक्टली स्क्वायर रूट आ जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्क्वायर रूट के अंदर ही लिख दे रहा हूँ 25 अपॉन 36, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम लोग दोनों तरफ क्या कर रहे हैं स्क्वायर रूट ले रहे हैं, ओके। सो क्या मिलेगा हमें, हमें मिल जाएगा 4x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, अब देखो स्क्वायर रूट है ना यहाँ पे, तो हम लोग प्लस और माइनस में हम लोग लिख देंगे, क्योंकि एवरी स्क्वायर रूट हैज टू पॉसिबल वैल्यूज, यहाँ पे दो वैल्यूज मिलेंगे, तो प्लस और माइनस 5 अपॉन 6 लिखूंगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब 4x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 के दो वैल्यूज आएंगे, एक तो प्लस में आएंगे और एक तो माइनस में आएंगे, ओके। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 4x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, एक तो मैं 5 अपॉन 6 लिखूंगा और करके मैं नेक्स्ट लिखूंगा एक तो माइनस 5 अपॉन 6, तो यहाँ पर 4x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 6, ओके। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे x का वैल्यू मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते आपका फेवरेट स्टेप है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये जो 5 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3, ये जो और है इसको यहाँ पे पुट कर देते और ओके, ये 6 है 4x प्लस 1 के साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 1, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3, ओके। चलो आगे बढ़ते, ये 6 और ये 4x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 और 4x मल्टीप्लाई होगा तो 24x आएगा, और जब 6 और प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 6 आ जाएगा, नेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्या आएगा इज इक्वल्स टू आएगा 5 और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10x आएगा, और 5 और प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस 15 आएगा, तो ये भी समझ गया। आगे और एक एक स्टेप में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 6 और 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 24x आएगा,
और 6 और प्लस 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 6 बचेगा, इज इक्वल्स टू माइनस 5, माइनस 5 और ये 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 10x आ जाएगा, और माइनस 5 प्लस 3 करेंगे तो माइनस 15 हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर अब हम लोग एक काम करेंगे, ये जो 10x है, ये 10x को हम लोग क्या करेंगे, ये 24 के पास में लेके आएंगे। ओके और ये जो प्लस 6 है, ये 6 को अभी हम लोग क्या करेंगे, 15 के पास लेके जाएंगे। ओके तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 24 माइनस 10x हो जाएगा यहाँ पे, और इज इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू 15 माइनस 6, क्योंकि ये 6 जब 15 के पास चला जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 24x के पास में, मतलब ये जो है ना माइनस 10x है, ये 24x के पास में लेके आओ, क्योंकि माइनस में है ना, तो माइनस में जब है उसका जगह चेंज कर दूंगा तो प्लस में बन जाएगा, और ये जो प्लस 6 है, प्लस 6 को क्या करेंगे, माइनस 15 के पास में लेके जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये माइनस 10x को 24 के पास लेके आओ, तो 24x प्लस 10x हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ये प्लस 6 चला गया तो क्या आएगा, माइनस 15 माइनस 6 हो जाएगा, तो माइनस 15 माइनस 6 हो जाएगा। ओके चलो अब ये 24 में से 10x को निकाल देते, 24 में से 10x को निकाल देंगे तो बच जाएगा कितना x बचेगा, यहाँ पे 14x बच जाएगा। ओके इज इक्वल्स टू 15 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 9 अपॉन 14। अगेन इसको तो हम लोग आगे और डिवाइड नहीं कर सकते, तो यही आपका फाइनल होगा, x इक्वल्स टू 9 अपॉन 14, और यहाँ पे 24 प्लस 10x, मतलब 24x और 10x करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 34x आ जाएगा, 34x यहाँ पे लिख देता हूँ, 34x इज इक्वल टू माइनस 15 और माइनस 6 करेंगे तो आएगा माइनस 21 आएगा, तो x का वैल्यू मिल जाएगा माइनस 21 अपॉन 34। ओके तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू मिल गया है, x इक्वल्स टू 9 अपॉन 14, और x इक्वल्स टू माइनस 21 अपॉन 34 आर दी सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है तो आई होप इस तरह से इस सम को आपको सॉल्व करना था, काफी इजी सम है ये, इजी मतलब आपके लिए थोड़ा बहुत हार्ड जाएगा जो फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके काफी बार अगर प्रैक्टिस कर लोगे 2-3 बार तो अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो अच्छे स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके सो ले लो फटाफट यहाँ पे स्क्रीनशॉट, फिर अभी हम लोग लास्ट सम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर। तो क्या देख रखा अगेन यहाँ पे 6th one, 3x minus 4 the whole cube plus x plus 1 the whole cube is equals to 61 upon 189 दिया गया। ओके तो अगेन हमें इसको सॉल्व करके यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले ना दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको इन्वर्ट एंडो कर देंगे हम लोग, क्योंकि 61 अपॉन 189, और यहाँ पे ऊपर देखो यहाँ पे माइनस है और नीचे प्लस है, तो हम लोग एक काम करते पहले इन्वर्ट एंडो कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लोग बाय इन्वर्ट एंडो यहीं पे लिख देता हूँ, बाय इन्वर्ट एंडो, हम लोग इन्वर्ट एंडो प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर इन्वर्ट एंडो प्रॉपर्टी जब अप्लाई होगा, 3x minus 4 the whole cube फिर माइनस इन्वर्ट एंडो अभी हम लोग ने किया है, तो x प्लस 1 द होल क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे भी हो जाएगा 189 अपॉन 61 हो जाएगा। ओके ये हमने इन्वर्ट एंडो किया, अब हम लोग जाकर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। यहां पर मैं लिखूंगा बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी, तो हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी हम लोग यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। तो कंपोनेंडो मतलब क्या आएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड
डिविडेंडो मतलब न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो हम लोग यहाँ पे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर वाला पार्ट लिख रहे हैं। तो पहला न्यूमरेटर लिख देते हैं 3x माइनस 4 द होल क्यूब, फिर प्लस x प्लस 1 द होल क्यूब, प्लस क्योंकि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर लिख दिया, फिर प्लस अब ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट लिखेंगे, प्लस क्या आएगा 3x माइनस 4 द होल क्यूब देन माइनस x प्लस 1 द होल क्यूब। ये आ गया आपका न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और अपॉन में अपॉन पुट कर दूंगा यहाँ पे। अब न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर आपको लिखना है तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है आपका अगेन 3x माइनस 4 द होल क्यूब फिर प्लस x प्लस 1 द होल क्यूब। अब माइनस जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर, ओके। जब माइनस हम लोग करेंगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली साइन चेंज करके लिखूंगा, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 3x माइनस 4 द होल क्यूब और ये जो है माइनस है यहाँ पे ये प्लस बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर, ओके। सो x प्लस 1 द होल क्यूब हो जाएगा, ओके। इस तरह से आपको करना है इज इक्वल्स टू 189 प्लस 61 होगा और अपॉन 189 माइनस 61 हो जाएगा, अपॉन 189 माइनस 61 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो x प्लस 1 द होल क्यूब और ये माइनस x प्लस 1 द होल क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर 3x माइनस 4 द होल क्यूब और ये माइनस 3x माइनस 4 द होल क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या गया 3x माइनस 4 द होल क्यूब और ये प्लस 3x माइनस 4 द होल क्यूब, ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 4 द होल क्यूब और अपॉन यहाँ पे x प्लस 1 द होल क्यूब और ये प्लस x प्लस 1 द होल क्यूब ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 द होल क्यूब इज इक्वल्स टू 189 और 61 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 9 प्लस 1 10 8 प्लस 1 9 9 प्लस 6 15 और ये 2 तो आपको यहाँ पे मिल गया 250 और अपॉन 189 में से 61 को निकाल लेते हैं 9 में से 1 गया तो 8 8 में से 6 गया तो 2 और ये 1 तो 128 यहाँ पे 128। ये दोनों नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं इजिली, 2 से हम लोग इजिली डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा 2 6 जा 12 2 4 जा 8 यहाँ पे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ओके 1 कैरी 2 5 जा 10 तो 125 अपॉन 64 मिला यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ 125 अपॉन 64 ओके। इसको और आगे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये 2 और ये 2 को हम लोग कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है 3x माइनस 4 द होल क्यूब और x प्लस 1 द होल क्यूब बचा इक्वल्स टू 125 अपॉन 64। अगर हम लोग यहाँ पर क्यूब क्यूब को हटा देते तो यहाँ पे क्यूब रूट आ जाएगा, क्यूब को जब मैं हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा क्यूब रूट आ जाएगा, तो मैं क्यूब को हटा देता हूँ ओके। तो 3x माइनस 4 अपॉन क्या बचेगा x प्लस 1 द होल क्यूब मतलब x प्लस 1 बचेगा यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ x प्लस 1, मैं यहाँ से क्यूब हटा रहा हूँ, जब मैं यहाँ से क्यूब हटाऊंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्यूब रूट आ जाएगा, तो क्यूब रूट ऑफ 125 क्यूब रूट ऑफ 125 क्या आएगा 5 आएगा और क्यूब रूट ऑफ 64 क्या आएगा 4 आएगा, तो मैं यहाँ पे 5 अपॉन 4 लिख रहा हूँ तो ओके। तो 3x माइनस 4 अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू 5 अपॉन 4 मिल रहा है, डॉट 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 यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या लिया क्यूब रूट ले लिया ओके। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिंपल ओके। तो 4 के साथ में 3x माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 4 देन इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 ओके। बहुत ही सिंपल है, तो 4 और 3x को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 12x मिल जाएगा
और 4 और -4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -16 मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू 5 और x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x मिल जाएगा, और 5 और +1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो +5 मिल जाएगा। ओके अब ये 5x को क्या करेंगे, 2lx के पास में लेके आ जाते हैं, और ये -16, ये जो -16 है उसको 5 के पास में लेके चले जाते हैं, तो 12x -5x हो जाएगा जब 5x 12x के पास आएगा, और जब -16 जब 5 के पास जाएगा तो ये बन जाएगा +16, तो +16 +5 हो जाएगा, तो 12x में से अगर 5x को मैं निकाल दूं तो 7x आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 16 प्लस 5 करूँ तो यहाँ पे 21 आ जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 21/7 हो जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके तो हम लोग क्या कहेंगे, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इस तरह से दोस्तों ये सब सम को सॉल्व करना था, काफी मजेदार सम है ये सब, सम सॉल्व करना मतलब इजी है, लेकिन कुछ बच्चों को जैसे हार्ड जाता है क्योंकि उनका प्रैक्टिस नहीं रहता इस समय पे। ओके तो आई होप आपको ये सम समझ में आ चुका होगा, काफी स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है आपको अच्छे तरीके से। दोस्तों अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों यहाँ पर। ओके और ये जो है आज हम लोग यहीं पे इसको एंड अप कर देंगे, क्योंकि हमने आज इस वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 का टोटल 6 सम हम लोग को सॉल्व करना था। ठीक है अभी जो नेक्स्ट वन जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसके आगे वाले एक्सरसाइज हम लोग शुरू कर देंगे बच्चों। ठीक है सो आई होप आपको ये जो है लेक्चर काफी अच्छा, काफी सब कुछ सम आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है और समझ में आ चुका है तो बच्चों यहाँ पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है। ओके तो फिर अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।